कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं पटाखे की हों आम्स की हों, इसका प्रावधान बना हुआ है हमारे मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर है संजय सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह दे दिया गया है। नहीं, अगर इनपुट रहता कोई इस तरह का तब तो वो जाके उनको चेक करना ही पड़ता, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इनपुट हो या ना हो ये पुलिस का लोकल पुलिस का रूटीन काम है, क्योंकि मैंने जो पुलिस मैनुअल का प्रावधान का उल्लेख केवल इसलिए किया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। सर ये इतनी बड़ी संख्या में इतनी ज्यादा संख्या में सर बात उठा, तभी इतने सारे घर भी वहां पे डैमेज हुए जो विस्फोट हुआ, तो सर ये क्या इनपुट का भी फेल्योर है? नहीं, एक मिनट देखो, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपका जो जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसको दो भाग में उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। देखिए इनपुट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं और वो अपनी सूचना एकत्रित करके 10 तरह की इंफॉर्मेशन को उसको फिर वो डेवलप करती हैं और डेवलप करने के बाद उसको ऑलमोस्ट जब वो वेरीफिएबल या एक्शनेबल जो है वो लेवल तक पहुंच जाती है तो वो शेयर किया जाता है, उसको हम इनपुट वर्ड बोलते हैं। यहाँ मैं दूसरा पक्ष आपको मैं पहले ही भी क्लियर कर चुका हूँ, वो इनपुट हो या ना हो लेकिन जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का जो उसकी जवाबदेही है या उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों में इस तरह की गतिविधियों को लगातार चेक करके और लगातार कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वह ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मैनुअल में उसमें भी है और जो उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उन ड्यूटीज़ के अंदर भी इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है, ये मैं कह रहा हूँ। ये कुछ क्लियर है क्या, जब इनके पास लाइसेंस नहीं था तो इतनी मात्रा में बारूद कहाँ से इनके पास पहुँच रहा है? अभी क्योंकि इसके जो बहुत तकनीकी पहलू हैं और इसके जो बहुत फाइन तरह की जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, मैं आपको इसका उत्तर जो है कुछ समय बाद शेयर करूंगा। और बताना चाहूंगा कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं पटाखे की हों आम्स की हों, इसका प्रावधान बना हुआ है हमारे मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर है संजय सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह दे दिया गया है। तो मुझे अभी इतना ही आपसे कहना है, आपके जो भी सवाल हैं और या जो भी कुछ पूछना चाहें मैं उसके लिए, हाँ मैं उसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप बारी बारी से अपनी बात कहें हम उसका उत्तर दें।